मतलब अभी उजाला नहीं है, वैसे तो है, मैंने ऐसी सिंपल सी लगाई थोड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। एक और नई सुबह हो चुकी है, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक और नई उम्मीद, एक और नई उमंग जो होती है काम करने के लिए, वो भी हमारे व्लॉग में आज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी सुबह, पता नहीं शायद मुझे भगवान ने ही आज उठने के लिए सुबह से संकेत दिया, नहीं तो मैं उठने में बहुत मस्त मौला हूँ, बहुत आराम से उठती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुकर में मैंने यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं चने, क्योंकि मुझे बनाने हैं आज आलू छोले। और आज मेरे घर में आने वाले हैं मेहमान, तो जी हाँ, और मेहमानों के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ। आप सोचेंगे कि कल भी मेहमान आए थे, आज भी मेहमान, अरे भाई त्योहारों का सीज़न है और मेरी तीन चार नंदे हैं, तो कल एक आई थी, आज दूसरी आएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ उनके लिए। तो मैंने सोचा चलिए छोले पूरी जो है वही बनाती हूँ। तो रात को मैंने जो छोले हैं वो भिगो के रख दिए थे, मतलब जो काबुली वाले चने होते हैं ना, सफ़ेद चने, वो भिगो के रख दिए थे, सुबह इनको लगा दिया उबलने। और आज मुझे ना सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई, तो आज हमारे ना एक और छोटा सा प्रोग्राम भी है, तो ये हर दिवाली के दूसरे दिन होता है, लेकिन आज ये हमारे दूज वाले दिन है, क्योंकि पिछले दिन ग्रहण था ना, तो इस वजह से ये नहीं हो सका। तो चलिए ब्लॉग को आप पूरा देखिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी जो तैयारी है वो फुल है सुबह से लेके, और टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी 6:11 हो चुके हैं। तो जल्दी उठने का फ़ायदा हो जाता है ना, कि हमारे आधे काम जो हैं वो 6 बजे तक मेरे निपट चुके हैं। तो देखिए चने उबल चुके हैं, आलू प्याज जो है सब कुछ काट के रख दिया है, और अभी जा रही हूँ मैं पानी के पास, क्योंकि सुबह अंधेरा था तो नहीं गई थी। हमारे घर से बावड़ी जो है वो थोड़ी दूर है, तो इसलिए अभी जब थोड़ा सा उजाला हुआ है ना 6 बजे, तो अभी मैं निकली हूँ पानी के लिए, पानी लेके आती हूँ ताज़ा पानी। तो वीडियो जो है धुंधली दिखेगी, ये देखिए। तो सुबह उठने का फ़ायदा कि आधा काम जो है ना वो निपट चुका है किचन का, और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुबह से उठती हूँ, लेकिन तब अगर मेरी नींद खुद से खुले, अगर मैं कुछ उठा के करें ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब नींद खुद पूरी होती है या पूरी नहीं भी हो, लेकिन जब खुद से खुलती है ना नींद, तो उठने का मज़ा ही कुछ और है काम करने का, है ना। देखिए हमारा टिप्पर, इसमें जो है ये माला कल ही लगा दी गई है, वैसे कल ग्रहण था तो कोई भी तीज त्यौहार जो है ना उसको मनाने का था नहीं, तो ये रात को लगाई हुई, क्योंकि फूल जो है ना इतने वो नहीं, बासे नहीं लग रहे, फ्रेश से ही लग रहे हैं। तो इसकी पूजा होगी आज, क्योंकि गोवर्धन पूजा जो है वो आज है। तो ये यहाँ पर बावड़ी के पास ही खड़ा किया हुआ है हमारे, मेरा एक डोलू जो है वो भर चुका है, मैं दूसरा भर लेती हूँ। और ये देखिए रात को लगाई मैंने थोड़ी सी मेहंदी दिवाली के शगुन की, ये देखिए, तो अभी आपको दिखेगी नीति, क्योंकि अभी मौसम मतलब अभी उजाला नहीं है, वैसे तो है, मैंने ऐसी सिंपल सी लगाई थोड़ी सी बस, क्योंकि टाइम था बहुत ही कम। तो पानी लेके वापस आ चुकी थी, और सबसे पहले भगवान जी को चढ़ा लिया पानी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए चूल्हे में ना आँच जो है कम हो गई थी, और यहाँ पे केतली में मैंने पीछे पानी रखा हुआ था ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो इस तरह से ना टाइम की बचत हो जाती है, और हम तो चूल्हे पे बनाते हैं, लेकिन गैस पे बनाए तो गैस की बचत हो जाती है, अगर पानी गर्म करके रख देना तो। थोड़ा सा कोसा गर्म है ये पानी, और इसी से मैं आटा गूँध रही हूँ यहाँ पर पूरी बनाने के लिए। तो सिंपल गेहूँ का आटा लिया हुआ है, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा नमक, 1.5 चम्मच नमक डाला है, और थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी हाथ से ही उसको घिस लिया था ना, और वो डाली है। तो कसूरी मेथी वाली पूरी ना मुझे बहुत टेस्टी लगती है, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और ये आटा जो है ना हमारे घर के गेहूं का है, जैसे घर की गेहूं होती है ना,
उसका आटा है, तो इसका आटा जो है काफ़ी हार्ड हार्ड गूंदना पड़ता है। वैसे भी पूरी का आटा जो है काफ़ी हार्ड ही लगता है, सख्त आटा होना चाहिए तो पूरियाँ जो है अच्छे से बनती है। और हमें इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए भी रखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को गूंद रही हूँ। जब ये बच्चे जो है ना अभी सोए हुए हैं, तो जब तक बच्चे सोए हुए होते हैं ना तब तक ये सारे काम निपट जाते हैं ना, तो सारा काम अच्छे से हो जाता है। और जल्दी भी लगी हुई थी क्योंकि 10 बजे तक हमें निकलना भी था, मंदिर भी जाना था आज। और होता ही है ना, दिवाली के बाद सबके घरों में पूजा होती है, मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करी जाती है, खासकर दिवाली में तो हर हर मंदिर में हर घर में होती ही है। तो यहाँ पे मैं ये बना रही थी, और साथ में पतिदेव जो हैं उन्होंने कढ़ाई बनाई थी। कढ़ाई मतलब हलवा होता है ना, जो आटे का हलवा घी में बनाते हैं देवी देवता के पूजन के लिए, तो वो बना रहे थे और मैं ये सारा काम जो है ये कर रही थी। तो अभी ट्राइपॉड के बिना इतनी मुश्किल हुई है ना वीडियो कैप्चर करने में, लेकिन आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, जब अभी आज मेरा ट्राइपॉड जो है वो आ चुका है, तो यहाँ पे मैंने पतीला लगा दिया है सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पतीले में मैंने जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद प्याज लहसुन डाले हैं, और मतलब पहले ऑयल डाला, उसको गर्म होने दिया, फिर जीरा डाला, प्याज लहसुन डाले हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी और उसके बाद यहाँ पे इसमें जो हमारे मसाले होते हैं उसको ऐड करूंगी। तो ये देखिए प्याज जो है बहुत अच्छे से पक रहे हैं यहाँ पे, और इसमें एक तेज पत्ता भी मैंने यहाँ पे डाला है, एक दो तेज पत्ते भी डाले हैं, तो इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। इसको डालते हैं हम मसाले में। तो और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ना छौंक भी दिया था ये, लेकिन वीडियो में मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बैटरी जो है वो बहुत ही कम थी, फ़ोन चार्जिंग में लग चुका था। और फिर जब मैंने ये आलू छौंक दिए थे उसके बाद मैंने आपको यहाँ दिखाया है। तो सिंपल वही तरीका है, प्याज भुनने के बाद धनिया मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है, और बस उसके बाद आलू डाल के इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राड लगा लिया है 2-3 मिनट के लिए। अभी देखिए चने आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से उबले हुए हैं, तो क्योंकि इनको हमने ना पहले भिगो के रखा था, और यहाँ पे देखिए आधे एक घंटा से ये उबल भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से उबल चुके हैं। और अभी इसको मैं डाल दूँगी आलू में। तो ये देखिए छोले, आलू छोले बोलते हैं हमारे यहाँ पर ना, और ऐसे ही छोले छोले भी बनाते हैं, लेकिन आलू के साथ भी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं हमारे, खासकर इस एरिया में आलू के साथ बनाए जाते हैं ये सफ़ेद वाले चने। काले वाले चने भी बनाते हैं ऐसे तो, लेकिन आज मैंने ये वाले बनाए थे। तो बस सब्जी यहाँ पे मेरी बनके तैयार हो ही चुकी थी, चावल भी बनाने थे मुझे इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा और पानी डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी भी नहीं चलनी थी ना, चावल के साथ थोड़ा सा तरी वाला चाहिए पड़ता है जिसमें थोड़ी सी तरी हो। थोड़ा सा पानी यहाँ पर और डाल रही हूँ, तो ये मैंने कुकर में ही लगाया हुआ है पानी पीछे चावल के लिए, गर्म हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे। तो 2-3 चूल्हों का फ़ायदा होता है ना कि जब तक ये अगले वाला पकता है तो उतने पिछले वाला आधा गर्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए पूरियाँ जो है हमारी बहुत सारी बन चुकी थी, ये देखिए हॉट केस जो है हमने भर के रख दिया है। तो उसके बाद फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि फ़ोन जो है फिर से मैंने लगा दिया था। और ये देखिए सारी पूरियाँ जो है ना गाइस फुली फुली भी बनी थी। तो आटे को मैंने शायद 1 घंटा पहले गूंथ लिया था। हाँ, इस टाइम मैं और मेरे ननद जी है ना जो कल आए थे वो लगे हुए थे साथ में यहाँ पे मेरे साथ बनाने के लिए। तो साथ साथ होता है ना तो फटाफट से हो जाता है, नहीं तो अकेले आदमी के तो सारा तेल जो है ना वो जल जाता है उतने में। चूल्हे पे आँच भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है ना। और ये देखिए खाने भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, शौर्य खाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन बोल रहा था कि मम्मी बहुत टेस्टी है पूरी भी और छोले भी। और नैना जो है ये जो मेरा आटे का डिब्बा है ना उसके ढक्कन के ऊपर बना रही है, और देखिए वहाँ से अपूर्वा हेलो बोल रही है। अपूर्वा और सार्थक का अपना ही खेल चला हुआ है कुछ। तो बस यहाँ पे हमारा ये सारा कुछ बन के तैयार हो चुका था। और ये देखिए जी आइए नाश्ता कर लीजिए आप भी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक है। और ये देखिए जी हिमाचल का मौसम, बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं घर में लगा हुआ है मेला, मेहमान आए हुए। तो दिवाली में होता है ना मेहमान आते हैं जाते हैं, और आज है भाई दूज, तो भाई की तरफ से आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर, चलिए आपको भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम चल पड़े हैं मंदिर की ओर, सभी तैयार हो चुके हैं, बच्चे भी बूढ़े भी, और सभी तैयार होके चल पड़े थे।
तो वैसे हम अभी जाने नहीं थे क्योंकि मेहमान आने थे ना, लेकिन मेहमान ने बोला कि हम पहले मंदिर को ही आएंगे, वहीं को ही आ जाओ। तो हमारे गांव का जो मंदिर मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ व्लॉग में भी, आज वहां पे भंडारा है। तो दिवाली से दूसरे दिन को ना वहां पे भंडारा देते हैं हम, तो इसलिए आज वहाँ पर भंडारा था और इसलिए हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। ऐसे तो आगे पीछे भी जाते रहते हैं लेकिन इस दिन तो जाते ही हैं सभी लोग वहाँ पर। तो पतिदेव जो है वो सुबह से चले गए थे और ये देखिए यहाँ पर मंदिर में हम पूजा कर रहे थे यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर किया है। तो ये काली माता का मंदिर है, हमारी ग्राम की देवी है ये। यहाँ पे अभी मम्मी और जो मेरे बीच वाले नैना जी हैं वो भी आ चुके हैं, तो ये भी यहाँ पे मंदिर में थोड़ी सी पूजा करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे भंडारा खाने के लिए। तो भंडारा जो है ना सुबह जल्दी ही बन गया था और पतिदेव सुबह से आगे थे घर से, और वैसे खाना बनाने वाले तो और लोग थे ना, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता है ना, मतलब साथ में सहयोग से ही सारा काम जो होता है। और ये मंदिर जो है ना ये पूरे गाँव वालों का है यहाँ पर, तो सभी लोग जो हैं यहाँ पर सहयोग करते हैं काम करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर सार्थक की गप्पे चल रही हैं मानव के साथ। और यहाँ पे देखिए जी मैं बैठ गई थी भंडारा खाने के लिए क्योंकि ना सार्थक वगैरह को भूख लगी थी बच्चों को, और यहाँ पे सार्थक जो है फिर यहाँ से जा रहा है। देखिए मानव इसको लेने के लिए आया था क्योंकि बच्चों को होता है ना खेलने का कि थोड़ी सी देरी खेल लेते हैं, और जो मेरे नैना जी हैं बड़े वाले वो घर को वापस भी चल पड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए खाना खुना खाने के बाद आ गए थे हम यहीं पर ही, हमारे गाँव के ही हैं ये जेठ जी, एक उनका घर है। तो थोड़ी सी देर यहाँ पर बैठने को आ गए थे, दीदी जो है उन्होंने कहा कि थोड़ी देरी बैठो चाय वगैरह पियो तब जाना। तो यहाँ पे जो कैमरामैन है ये इस टाइम धैर्य बना हुआ था यहाँ पे, तो हमारी चली हुई थी यहाँ पे गप्पे। ये देखिए मेरे नैना जी भी हैं यहाँ पे, और गप्पे मारने के बाद फिर हम आगे थे घर को वापस। तो गांव में ना यही होता है ज़्यादातर मेल जोल व्यवहार, जैसे कहीं जाते हैं तो थोड़ी देर बैठते हैं, अच्छा लगता है। तीज त्यौहारों में मेहमान आते हैं, हम भी जाते हैं किसी के घर में ना, तो अच्छा लगता है इस तरह से। तभी लगता है कि घर में त्यौहार जो है, और बच्चे जो है ना फ़ोन में ही मस्त हुए हुए हैं यहाँ पर, फ़ोन में ही लगे हुए थे। यहाँ पर कोई गेम चलती है, कहीं यूट्यूब चलता है, बस कार्टून की वीडियोज़ जो होती है। अभी इतना ज़्यादा फ़ोन हो चुका है ना कि बच्चे सीमित हो चुके हैं इसी के बीच में बस। चलो भाई चलो वापस घर की ओर अब है। बुआ रही बुआ टिका करो। हे भगवान। तो यहाँ पे देखिए भाई दूज का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना
सभी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पे। तो परिधि जो है अभी यहाँ पे धैर्य शौर्य और सार्थक इनको तीनों को टीका लगा रही है। और यहाँ पे देखिए हमारा ना बच्चू जो है एक वो भी आ गया है देखिए ऊपर से। तो मैं मजाक कर रही थी अपनी नाना जी को, मैं बोलती मैं क्या बुआ आई हुई, बुआ अब ना इसको भी टीका करो, देखो ये भी तो भतीजू ही है आपका। फिर यहाँ पे और यहाँ पे देखिए परिधि जो है सभी के लिए गिफ्ट लेके आई थी चॉकलेट, तो इसने सबको दे दिया यहाँ पे। ये देखिए बॉक्स में चॉकलेट थी तो सभी को दिया है इसने यहाँ पे। सभी ने एक दूसरे को टीका किया, त्यौहार जो है यहाँ पे मनाया गया। उसके बाद जो है मेरी नणद जी उन्होंने भी टीका किया मेरे पति देव को। तो भाई त्यौहार हो चुके हैं अब लगभग ख़त्म और ब्लॉग भी हो चुका है लगभग ख़त्म। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में। बाय।